स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में अपनी दो सूत्रीय मांगों, जिसमें प्रमुख मांग कर्मचारियों के अनियमितीकरण के लिए पिछले 19 दिन से लगातार हड़ताल पर है, जिसके अंतर्गत आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से गाँव में ब्लॉक संविदा कर्मचारियों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दीपक पाटीदार, डॉक्टर विधि तिवारी सहित संविदा कर्मचारी मौजूद थे। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। ये ब्लॉक मुख्यालय पर हड़ताल क्यों रखी गई है? हड़ताल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा रखी गई है, हमारी मांगों को लेकर। दो सूत्रीय मांगे हैं हमारी सबको, नियमितीकरण करने की और जो आउटसोर्स है उनकी बहाली करने के लिए, और सभी का कैडर निर्धारित करते हुए हमें नियमितीकरण करने के लिए मांग रखी गई है। धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी गई है, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये हड़ताल चलती रहेगी। ब्लॉक मुख्यालय पर धरना कब तक रहेगा? ब्लॉक मुख्यालय पर भी अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर दीपक पाटीदार, CHO। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।